हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्किल 11 एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको डर्बीशायर वर्सेस यॉर्कशायर के बीच में यहाँ पर इंग्लिश टी20 ब्लास्ट से नॉर्थ ग्रुप का जो आपको मैच खेला था दिखने वाला है, इस मैच के बारे में गाइस हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे एकदम अच्छे से। गाइस पूरी जानकारी आपको इस मैच के रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखते रहें। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच की फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो आपको गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाई चांस अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम ना करे फिर आपको अपने टेलीग्राम में जाना है, सिंपली सर्च करना है @SK11Expert, आप कैपिटल लेटर में सर्च करिएगा। उसके बाद गाइज आपको हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, फिर आपको उसमें ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर हम सबसे पहले डर्बीशायर की टीम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले गाइज मैं पिच के बारे में आपको हर मैच में बताया करता था हर वीडियो में, लेकिन इस मैच में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गाइज ये जो मैच खेला जाएगा ये एक नए ग्राउंड पर खेला जाएगा, ठीक है, जहाँ की पिच को गाइज आप न्यूट्रल मान सकते हैं। मेरे हिसाब से पिच पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, जो दोनों टीम के क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं उन पर फोकस करिए और बेस्ट से बेस्ट करिए, ठीक है। अब सबसे पहले डर्बीशायर टीम पर आते हैं, तो डर्बीशायर की टीम 9 में से 3 मैचेस जीती है अभी तक, 5 मैचेस हारी है और लास्ट मैच उनका टाई हुआ है, ठीक है। उनका ये प्लेइंग 11 गाइज आपको खेलता दिख सकता है डर्बीशायर का, ठीक है। और बाकी गाइज बेंच पर इनके पास टॉम वुड है, अनुज दल है और बेन एचिसन है। इन तीनों में से अगर टीम किसी को चाहे तो खिला सकती है, लेकिन मुझे गाइज यही प्लेइंग 11 खेलता दिख रहा है, ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब गाइज अगर आप बैटिंग के स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो लुइस रीज़ के बारे में सबसे पहले देखेंगे, तो लुइस रीज़ अभी तक अच्छे रहे टूर्नामेंट में, 23, 53, 19, उसके अलावा 57, 58, 4-5 इनिंग अच्छी इन्होंने खेली है। हैरी केम एक ही मैच खेले लास्ट वाला जिसमें 34 रन इन्होंने किए, बाकी वेन मैटसन इनके लिए सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे, 50, 61, 57, 109 नॉट आउट, 71 नॉट आउट, 44 बैक टू बैक गाइज इन्होंने लगभग 6 मैचेस में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। बस 3 मैच उतना अच्छा नहीं कर पाए, फिर भी 26-20 रन की डिसेंट पारियाँ खेली है। अब इनके कैप्टन पर आते हैं एल डुप्लू पर, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ये सीजन इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। 33 और 66 नॉट आउट को छोड़ दूँ तो बाकी हर मैच में ये फ्लॉप गए, ठीक है, वैसे प्लेयर में कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हैदर अली, जो कि इनकन्सिस्टेंट प्लेयर हैं लेकिन अभी तक टूर्नामेंट डिसेंट रहे, 32, 74, 48, 42, 26 नॉट आउट, लास्ट के कुछ मैच में अच्छा खेले, फॉर्म भी इन्होंने पकड़ा है, लेकिन इनकन्सिस्टेंट है गाइस, इसलिए इन पर मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। बाकी ब्रूक गिस्ट नेक्स्ट आते हैं इनके विकेट कीपर, 49, 25 नॉट आउट, 25 2-3 इनिंग ठीक ठाक खेली है। बाकी नेक्स्ट माइकल नैन है, इनका देखेंगे तो 12 नॉट आउट, 16 नॉट आउट, 23 नॉट आउट, 10 नॉट आउट, जितनी भी इनकी बैटिंग आई है उतने में गाइज ये इंप्रेसिव रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज यहाँ पर बॉलिंग पर आते हैं, बॉलिंग में देखेंगे तो मार्क वट के पास इस सीजन ज़्यादा विकेट्स नहीं है, 31 ओवर की बॉलिंग में मात्र 2 विकेट ही ले पाए हैं। जमन खान ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, 34 ओवर की बॉलिंग में इनके पास 15 विकेट है। जैक चैपल टॉप विकेट टेकर है 34 ओवर में की बॉलिंग में 16 विकेट्स के साथ। स्क्रीमशॉ के पास 35 ओवर की बॉलिंग में 13 विकेट है। माइकल नैन के पास 23 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट और लुइस रीज के पास 11 ओवर की बॉलिंग में 3 विकेट्स हैं। लास्ट मैच के मैंने ओवर भी लिख दिए गाइस, जिससे आपको ये पता चलेगा इस टीम के डेथ बॉलर कौन से हैं। तो लास्ट मैच में 18वां और 20वां ओवर जैक चैपल ने डाला था, 19वां डाला था जमन खान ने, ठीक है। तो ये दोनों इस टीम के डेथ बॉलर्स हैं, आप इनका गाइस ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं गाइज यहाँ पर डर्बीशायर के लास्ट ईयर के स्टैट्स पर आते हैं, तो ये आप डर्बीशायर का लास्ट ईयर का स्टैट्स देख सकते हैं। रन्स में देखेंगे तो वेन मैटसन इनके टॉप रन स्कोरर थे, फिर एल डुप्लू का नाम आता है, फिर लुइस रीज़ का और फिर माइकल नैन का। विकेट्स में स्क्रीनशॉट टॉप विकेट टेकर थे, फिर माइकल नैन का नाम आता है, फिर मार्क वॉट का। मैटसन एचिसन ने ज़्यादा यहाँ पर कुछ उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था। अब आगे बढ़ते हैं गाइज यॉर्कशायर टीम पर आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम भी है, 9 में से 6 मैचेस जीती है और मात्र 3 मैच हारी है, ठीक है। और इनका गाइज प्लेइंग 11 सेटल है और यही प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से आपको खेलता दिखना चाहिए इनका, ज़्यादा चेंज आप एक्सपेक्ट मत करिए इनके प्लेइंग 11 में, ठीक है। और गाइज ये तीनों प्लेयर बेंच पर आपको दिखने चाहिए, इनके ज़्यादा प्लेयर खेलते भी नहीं हैं, ऑलमोस्ट गाइज 99% यही प्लेइंग 11 ज़्यादातर मैचेस में खेलता है। अब गाइज अगर आप बैटिंग के स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो डेविड मलान इनके लिए काफ़ी कंसिस्टेंट है, 43, 26, 95, 83, 81 नॉट आउट, 79, 79, काफ़ी अच्छी अच्छी पारियाँ इन्होंने टूर्नामेंट में खेली है। बाकी एडम लिथ का देखेंगे तो स्टार्ट इनका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने फॉर्म पकड़ा, 32, 31 एंड लास्ट मैच में 90, ठीक है, वैसे थोड़ी इनकन्सिस्टेंट है। नेक्स्ट जेम्स वॉर्थन है, जिन्होंने एक यहाँ पर 111 रन नॉट आउट की काफ़ी अच्छी पारी खेली है, बाकी के 2 इनिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। शान मसूद इनके कैप्टन, ये सीजन बहुत खराब रहा है, वैसे प्लेयर कंसिस्टेंट है लेकिन ये सीजन कुछ खास नहीं कर पाए। डेविड वीसे का देखेंगे तो इन्होंने ठीक ठाक से रन किए, 28 यहाँ पर 30, 50 नॉट आउट,
13 नॉट आउट जितनी भी बैटिंग आई है ठीक रहा है। टैटरसल 29-39 दो इनिंग डिसेंट, रैबिस 42-24 नॉट आउट दो इनिंग डिसेंट, थॉमसन 36-33 दो इनिंग इनके डिसेंट, बेन माइका देखेंगे तो ज़्यादा बैटिंग इनकी नहीं आई है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस बॉलिंग पर आते हैं। बॉलिंग में देखेंगे तो 10 विकेट बेन माइक के पास है 26 ओवर की बॉलिंग में, 7 विकेट रैबिस के पास 30 ओवर की बॉलिंग में, थॉमसन के पास 36 ओवर की बॉलिंग में 14 विकेट है और ये टॉप विकेट टेकर भी हैं। डॉम बेस्ट के पास 22 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेट है, जफर चौहान के पास 24 ओवर की बॉलिंग में 3 विकेट और डेविड वीसे के पास 31 ओवर की बॉलिंग में 10 विकेट है। लास्ट मैच के ओवर भी पर भी गाइज आप फोकस करिएगा इनके बॉलर्स पर, जिनके जिनसे आपको ये पता चलेगा इस टीम के डेथ बॉलर कौन से हैं। तो लास्ट मैच में यहाँ पर 19वां ओवर डाला था थॉमसन ने, 17वां बेन माइक ने, यहाँ पर उसके अलावा 20वां डाला था वीसे ने, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज वैसे नॉर्मली इनके लिए डेथ में 2 ओवर वीसे डालते हैं, 1 ओवर थॉमसन और 1 ओवर बेन माइक, ठीक है, तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइज यहाँ पर लास्ट ईयर के स्टैट्स पर आते हैं यॉर्कशायर के। तो आप ये यॉर्कशायर का लास्ट ईयर का स्टैट्स देख सकते हैं, अगर आप लास्ट ईयर के स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो इनके टॉप रन स्कोरर शान मसूद थे जो कि डर्बीशायर के लिए गाइज खेलते थे लास्ट सीजन और ओपनिंग किया करते थे, लेकिन इस सीजन काफ़ी नीचे खेल रहे और उतना अच्छा नहीं कर पाए। फिर एडम लिथ का नाम है, फिर डेविड मलान का, फिर थॉमसन, फ्रेन और टैटरसल उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे। विकेट्स में देखेंगे थॉमसन टॉप विकेट टेकर थे, फिर रैबिस का नाम आता है, फिर डॉम बेस का और फिर डोमिनिक लेच का। तो गाइज इस मैच के रिलेटेड जितना भी डेटा स्टैट्स आपको जानना था सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए गाइज यहाँ पर हम अपनी ड्रीम इलेवन की टीम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम विकेट कीपर सेक्शन पर आएंगे जहाँ पर आपको मिलेंगे टैटरसल, जिनका बैटिंग ऑर्डर गाइज ना के बराबर, इनका बैटिंग ना के बराबर ही आता है क्योंकि ये काफ़ी नीचे आते हैं गाइज 5 से 6 डाउन। वहीं ब्रूक गेस्ट यहाँ पर 4 डाउन आ जाते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ब्रूक गेस्ट हैं गाइज, आप सिंपली उनके साथ जाइए, टैटरसल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आते हैं बैटर सेक्शन पर गाइज जहाँ पर मलान और मैडसन अपनी अपनी टीम के सबसे मेन बैटर, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर, दोनों के बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। मलान ओपनिंग पर है, मैडसन 1 डाउन है। नेक्स्ट आप एडम लिथ को ले सकते हैं जो कि ओपनिंग पर है, थोड़े इनकंसिस्टेंट है, वैसे प्लेयर अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, आप इनको ले सकते हैं। लुइस डुप्लो वैसे तो काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है लेकिन ये सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आपके लिए डिफरेंशियल बन सकते हैं, ग्रैंड लीग टीम में मस्ट ट्राई है, स्मॉल लीग में रिस्क लेना हो ले सकते हैं। हैदर अली इनकंसिस्टेंट प्लेयर है लेकिन लास्ट कुछ मैच से अच्छा खेल रहे हैं, आप चाहे तो ले भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं लूँगा गाइस क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। वैसे जनरली ये ओपनर है और 1 डाउन आते हैं जहाँ पर अच्छा खेलते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी ठीक खेल रहे हैं, आपको लेना हो ले सकते हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। शान मसूद उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया, इनको ग्रैंडली की टीम में ही आप ट्राई करिए गाइज, वैसे प्लेयर अच्छे हैं टेक्निक वाइज, जल्दी विकेट देना पसंद नहीं करते, आप ग्रैंडली की टीम में जरूर ले सकते हैं। और ज़्यादा नीचे से हैरी केम है ओपनर, ये भी डिसेंट सही प्लेयर है, उतना स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूँगा, ग्रैंडली की एक आध टीम में ले सकते हैं, ठीक है। और फिर जेम्स वॉटन है गाइज जिन्होंने एक काफ़ी अच्छी सेंचुरी मारी है 1 डाउन पर आकर, फिर भी मैं उतना इनको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उतना कुछ खास ये प्लेयर नहीं है गाइज, ठीक है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी के लिए आप एडम लिथ को ले सकते हैं जो कि आपके लिए सेफ ऑप्शन है, डिफरेंशियल में एलडुप्लू आएंगे और यहाँ पर हैदर अली भी सेफ में आएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन पर आते हैं जहाँ पर वीसे, थॉमसन, लुइस रीस, मैथ्यू रैबिस, चारों ऑलराउंडर को 100% आपको टीम में लेना है। वीसे थॉमसन बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे, रीस का ज़्यादा रोल बैटिंग से एज ए ओपनर, बॉलिंग भी कर सकते हैं कुछ ओवर अगर मौका मिले तो, रैबिस का बैटिंग बॉलिंग दोनों से रैबिस भी आपको पॉइंट्स देंगे, ठीक है। बाकी नीचे से गाइज और ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमें ध्यान नहीं देना है। आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर गाइज जहाँ पर जैक चैपल आपके लिए यहाँ पर मस्ट पिक रहने चाहिए, डर्बीशायर के टॉप विकेट टेकर हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, कुछ रन्स करना भी जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट पिक है गाइज, मैं इनको लेके जाऊँगा। नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज स्क्रीमसो जो कि लास्ट सीजन के टॉप विकेट टेकर थे डर्बीशायर के, इस सीजन भी बॉलिंग अच्छा रहा है लेकिन डेथ में नहीं डाल रहे इसलिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, आपके लिए वैसे डिफरेंशियल बन सकते हैं। फिर बेन माइक आते हैं गाइज जो कि कुछ रन्स करना भी जानते हैं और साथ में विकेट लेना भी जानते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए खराब पिक नहीं है। फिर जमन खान है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, इनको आपने PSL में काफ़ी अच्छा करते देखा होगा, विकेट टेकर बॉलर हैं, आप डेफिनेटली इनको भी टीम में ले सकते हैं। नेक्स्ट डॉम बेस आते हैं, ऑफ स्पिनर है, इंग्लैंड के लिए भी खेलने का एक्सपीरियंस है, काफ़ी यंग ऑफ स्पिनर है अभी गाइज, कुछ रन्स करना भी जानते हैं, वैसे बैटिंग काफ़ी नीचे आती है, इनको आप ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हैं। जफर चौहान डिसेंट लेग स्पिनर, उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अभी यंग है। मैटी माइकनन बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लास्ट सीजन काफ़ी अच्छी इन्होंने विकेटें भी निकाली थी और रन्स भी किए थे, इस सीजन ज़्यादा विकेट नहीं मिला है लेकिन प्लेयर में खराबी नहीं है गाइज, ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं, ठीक है, आप इनका ध्यान रखिएगा, इनके सिलेक्शन पर मत जाइएगा। फिर मार्क वॉट आते हैं गाइज,
ये भी खराब यहाँ पर स्पिनर नहीं है, स्कॉटलैंड से आते हैं उनके लिए डेथ में भी डालते हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, इस सीजन विकेट नहीं मिला है, लेकिन बॉलर खराब नहीं है, आप ग्रैंडली की एक आध टीम में ले सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नीचे से कोई प्लेयर अवेलेबल है नहीं, मैं अभी के लिए गाइस बेन माइक को ले रहा हूँ, जमन खान को ले रहा हूँ और लास्ट प्लेयर ले रहा हूँ माइकल एंड को, ठीक है। आपको एक बैटर लेना हो सेफ तो आप लिथ को भी ले सकते हैं और साथ में आपके पास हैदर अली भी ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइज ये बन जाता है अभी के लिए हमारे यहाँ पर हमारा टीम का प्रीव्यू। अगर टीम की यहाँ पर गाइज अगर टीम में आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं भी फाइनल टीम में चेंजेस कर सकता हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करना होगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको फाइनल टीम अपडेट मिल जाएगी। अब CBC के ऑप्शन पर आते हैं गाइज, तो CBC के लिए आपके पास डेविड वीजे, जॉर्डन थॉम्सन, डेविड मलान, वेन मैडसन, ये चार मुझे बेस्ट प्लेयर लग रहे हैं CBC के ऑप्शन में, आप इन चार में से अपना CBC कर सकते हैं, ठीक है। अगर गाइज आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे कैप्टन गाइज डेविड वीजे हैं और वाइस कैप्टन है थॉम्सन, अगर आपको बैटर में से किसी को करना हो तो मलान काफ़ी कंसिस्टेंट है, आप उनको कर सकते हैं और मैडसन को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्रैंड लीग टीम में आप लुइस रीस और रैबिस को CBC कर सकते हैं। तो ये बनता है गाइस अभी के लिए हमारा टीम का प्रीव्यू, टीम में कुछ भी चेंजेस होता है तो फाइनल टीम अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।